नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल नकुल प्रॉपर्टी पर। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको इतनी एक बोलते ना एक लग्जरी चीज़ देने वाला हूँ कि आप ये वीडियो आप पूरी देखना प्लीज़। आज मेरी ये आप सभी से एक रिक्वेस्ट है हम्बल, क्योंकि अभी मैं ये वीडियो बनाकर आया हूँ फ्लैट की, तो इस फ्लैट को आप देखेंगे ग्राउंड फ्लोर कॉर्नर का ये फ्लैट है। तीन तरफ इसमें बालकनी है और तीनों तरफ इसमें गार्डन है। मतलब इस तरीके से फ्लैट बना हुआ है। अगर आप सुबह अपने बेडरूम में उठते हैं ना, तो उठते ही आप बोलते हैं ना जैसे कि प्रकृति में भगवान निवास करते हैं, तो आपको उसी तरीके से ग्रीनरी के दर्शन होंगे सुबह सुबह। तो ये वीडियो आप देखकर खुद ही समझ जाएंगे कि किस तरीके की यूनिट है ये, किस तरीके का फ्लैट है ये। अगर आपका फ्लैट में मन है, सोसाइटी में बसने का मन है, तो ग्राउंड फ्लोर का ये ऑप्शन बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा मेट्रो स्टेशन है जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी मेट्रो स्टेशन से एक किलोमीटर से ज़्यादा आपका 1200 मीटर तक की डिस्टेंस होगी इस लोकेशन की। और आपका जो परी चौक से अगर बात करें, 3.5 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है परी चौक से। अगर इसकी मार्केट की बात करें, एच्छर की मार्केट और बराबर में बिरोंडी विलेज की मार्केट और जैसे α1 α2 और Δ1 जैसे सेक्टर की मार्केट इसके बिल्कुल नियर में है। बाकी सोसाइटी के अंदर सारी फैसिलिटी है, क्लब और आपका जो छोटी मोटी आपकी जो दिनचर्या की जो डेली नीड्स की ज़रूरत होती है कॉमर्शियल की, वो भी आपको सोसाइटी में मिल जाएगा। तो चलते हैं यूनिटेक होरिजन में ग्रेटर नोएडा की एक अच्छी सोसाइटी में रजिस्टर्ड यूनिट देख लेते हैं कॉर्नर की कैसी ये बनी हुई है। यूनिटेक होरिजन प्यारी सी सोसाइटी ग्रेटर नोएडा की, गेटेड सोसाइटी। एंट्री करने से पहले गेट पर एंट्री, थ्री बी एच के, 1800 स्क्वायर फीट एरिया, रूफ। फ्लैट में अगर आप यहाँ अपने हॉल में बैठे हैं तो इसका देखिए एंजॉय देखिए आप। आउटसाइड पार्क, दिस इज द साइड व्यू। मतलब आपका सुबह सुबह का दिन ही इतना अच्छा जाने वाला है। ये बालकनी साइड की और दूसरी तरफ का व्यू देखिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये वाला। ये बालकनी, बालकनी में और ये इधर बराबर में गार्डन। वाओ, ये यूनिट अगर आपको मिलती है। और इसमें देखें जो होल है आपका, ये होल है, ये देख साफ सफाई तो फ्लैट मांग रहा है, बनता काफ़ी टाइम से। यहाँ पर ये किचन का स्पेस और किचन के बाद अगर आप पीछे की तरफ जाते हैं एक बालकनी है, तो तीन बालकनी के साथ साफ सफाई का ही वर्क है, ज़्यादा वर्क इसमें पेंडिंग ऐसा कुछ है नहीं। अब आते हैं, देखिए इसके रूम में आपको दिखा देता हूँ। वन बेडरूम, दिस इज़ द वन बेडरूम। काफ़ी टाइम से बंद था फ्लैट, जिस कारण ये काफ़ी गंदा सा आपको नज़र आ रहा होगा। और रूम का वेस्टर्न वॉशरूम और ये कवर्ड वुडन वर्क कम्प्लीट है, कोई दीमक इसमें लगी हुई नहीं है। और देखिए रूम में अब जब आप सुबह को उठते हैं ना, मॉर्निंग में जब बेड से उठते हैं, तो उठते ही सामने के ये आपके प्यारे से यहाँ पर दर्शन होंगे ग्रीनरी के। वन बेडरूम एंड ये दिस इज़ द सेकंड बेडरूम। इसमें भी आपका काम वुडन वर्क अलमीरा का हो रखा है। इसका भी व्यू आपको देखिए, कॉर्नर की यूनिट है, चारों तरफ आपके फ्लैट के पार्क है, गार्डन। सबसे अच्छी चीज़ मुझे खूबसूरती इस फ्लैट की ये नज़र आई, ये आपका वॉशरूम। तो टू बेडरूम, टू अटैच्ड वॉशरूम एंड थर्ड बेडरूम। इसमें आप देखिए पीछे का व्यू, ये पीछे का व्यू, ये साइड का व्यू, ये साइड का व्यू और ये इसका अलमीरा का वर्क और इसका जो ये वॉशरूम, इसका भी अटैच वॉशरूम है। तो थ्री बेडरूम 1800 स्क्वायर फीट के एरिया में। अब इसकी साफ़ सफाई में आप देखें, थोड़ा तो पैसा आपका जाएगा, तो अच्छी ये चीज़। ये है सर पार्किंग का स्पेस, आप देखिए ये बाहर का है, ये टावर नंबर, ये वाला टावर है आपका ये जी। इस टावर के अंदर
ये बाहर आपकी सारी ये पार्किंग ही आप देख रहे हैं, और एक तरफ पार्किंग नहीं है। देखो सबसे अच्छी चीज़ इस फ्लैट को लेने की जो अच्छी चीज़ है, ये एंट्री पे पॉइंट करेंगे, यहाँ पर लिफ्ट और सिक्योरिटी गार्ड आपको बैठे हुए मिलेंगे, और यहाँ से एंट्री इसी फ्लोर पे जहाँ ये सर खड़े हुए हैं यहीं पे आपका फ्लैट एंट्री करके, और इधर ये जैसे ही आप ऐसे निकल जाते हो ये आपका पीछे वाला व्यू, ये आपके फ्लैट का कॉर्नर का पीछे का व्यू, ये वाला नीचे का ग्राउंड का देख रहे हैं जी, पूरी ग्राउंड की बड़ी अच्छी प्यारी यूनिट है। तो पार्किंग इसके बैक में भी है आपके, ये वाली यहाँ पे, तो पार्किंग का आपके लिए कोई इशू होगा नहीं। बाकी जो पार्किंग है इसकी आप ये देख रहे हैं नीचे बेसमेंट, ये फ्लैट के आपके चारों तरफ का व्यू है ये वाला, जो इसकी पार्किंग का ये भी है नीचे, यहाँ से बेसमेंट में पार्क है इसकी, पार्किंग इसकी थ्री पार्किंग है इस फ्लैट के लिए, 3 BHK के लिए, और ये बराबर का जो गार्डन है वो ये व्यू है। तो देखिए बात करें इसकी जो सोसाइटी है, ये यूनिटेक होरिजन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का जो मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल फ्रंट पे बसती है, 130 मीटर हाईवे पर बसती है। टोटल इसमें 23 ब्लॉक है, जो ये टावर देख रहे हैं 23 टावर हैं, जिसमें आपको 16 मंजिल 18 मंजिल और 22 मंजिल की बिल्डिंगें देखने को मिलेगी। इसमें आपका जो आबादी की अगर बात करें 70% आबादी पॉपुलेशन इसमें फ्लैट ये 70% भरे हुए हैं, जो 30% अभी थोड़े से खाली हैं वो भी जल्दी भरने वाले हैं, क्योंकि वो फ्लैट है इसमें अनरजिस्टर्ड, कुछ यूनिट इसमें अनरजिस्टर्ड है और ज़्यादातर इसमें 70% रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड है वो तो भरी चुकी है, लेकिन जो आपका खाली है जो अनरजिस्टर्ड है वो भी अब भर रही है, क्योंकि उनकी रजिस्ट्री भी जल्दी ही हो जाएगी, उनके रेट में और रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के रेट में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये इसका जो व्यू पार्क का गार्डन का आप देख रहे हैं सोसाइटी का ये वाला, और आपका एक चीज़ और इसमें जो आपकी सारी फैसिलिटी है सोसाइटी में, क्लब की, क्लब में आपको सब कुछ मिलता है, और आपका जैसे स्विमिंग पूल, टेनिस, मतलब कोर्ट, सब कुछ आपका क्लब में मिलता है। तो ये सुंदर सा व्यू आप अंदर का इसका देख रहे हैं, यूनिटेक होरिजन ग्रेटर नोएडा सेक्टर 5-2 में ये लोकेटेड सोसाइटी है। तो इसमें आप फ्लैट खरीद कर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ग्रेटर नोएडा में जो लोग 60 मीटर की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं 1.5 करोड़ में, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है।